नमस्कार दोस्तों, मैं बिशन दत्त ट्रिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे यार हैदराबाद की रेस की। 22 तारीख को रेस है, 22 अगस्त 2022 को। पहली रेस 1:30 में है दोस्तों। टोटल 7 रेसें हैं यार, आखिरी रेस 5 बजे है। और पुणे उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा गया होगा यार, और हैदराबाद भी कार्ड अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं हैदराबाद भी अच्छा जाए। पहली रेस दोस्तों 1200 मीटर 3 ईयर ओल्ड की है, जिसमें जो टॉप कंटेंडर टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड मैंने पिक किए हैं, उसमें 3 नंबर है ह्यूज कैपेट है यार। लास्ट टाइम स्लो निकला था गेट से और मालिबू के साथ गुड थर्ड लगाए घोड़ा, काफी पीछे से आया था घोड़ा यार। और उस दिन मेरे ख्याल से ट्रैक कंडीशन भी बारिश बहुत हो रही थी शायद, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे एक बेटर रन दे घोड़ा। 4 नंबर है इवानो, इस बारी उस दिन चौहान बैठा था, चौथा हुआ है घोड़ा, 7वें भागा था 3 नंबर के, तो इस बारी अपसेट चांस बनता है इस घोड़े पे यार। उस दिन क्या रीजन था, ट्रैक की वजह से हो सकता है कि ट्रैक खराब हो तो घोड़ा पूरा नहीं चला, या पूरा चौहान जी ने जिस हिसाब से भी चलाया होगा। 5 नंबर है प्रोटोकॉल यार, ये भी बहुत बढ़िया घोड़ा है यार। और लास्ट टर्न ये भी गेट से स्लो निकला है, डेल लास्ट से उठ के गुड थर्ड लगाए घोड़ा भी, डॉक्टर डीडीडी के साथ। सूर्य नायडू बैठा हुआ था डॉक्टर डीडीडी में, और ये अभय सिंह ने ही चलाया था 5 नंबर, तो यहाँ पे बेटर रन दे सकता है, जीत भी सकता है घोड़ा यार। उसके बाद है 7 नंबर चिका बोनीता, मैंने पिक किया यार ये घोड़ा, और मोक दे के आ रहा है कांचा के साथ, 9वें से 9वां ही लगा है घोड़ा, तो यहाँ पे वो रन काउंट ना करके इसका अगर मोक काउंट करें तो अपसेट कर सकता है यार ये घोड़ा। 8 नंबर क्रिम्सन रोज बहुत सुपीरियर घोड़ा है यार, डर्बी भाग के आ गया है, मतलब वहां पे ऊटी में, और उससे पहले चौथा लगा है रेमेडीज ऑफ स्प्रिंग के साथ, तो बहुत अच्छी फील्ड थी यार वहां पे, और उससे पहले 2 हैदराबाद के रन है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे इजीली जीते घोड़ा यार। उसके बाद है 11 नंबर थंडर, ये लास्ट टाइम फेवरेट था घोड़ा, मैं सरप्राइज था कि ये घोड़ा फेवरेट क्यों है। खैर, तो अगर फेवरेट था तो 8वां लगा है घोड़ा, और इस बारी उम्मीद करते हैं कि अपसेट कर सकता है घोड़ा यार। ये सिर्फ फेवरेट की वजह से कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों इसे, कि लास्ट टाइम फेवरेट था ये। और ये आपके आगे होने दोस्तों, क्रिम्सन रोज को मैं फेवरेट ही लेके चलूंगा 55 पैसे यार, 55-60 जो भी भाव होगा इसका। ब्लैंकर ऑफ कर दिए हैं, 2 रन बिना ब्लैंकर के ही थे, और जो मेरा फाइनल सिलेक्शन रहेगा दोस्तों इसमें 8 नंबर क्रिम्सन रोज अक्षय कुमार विन के लिए, और 3 नंबर ह्यूज कैपेट यार एक बेटर रन देने की उम्मीद है घोड़े के साथ, और इसी के साथ जीत भी सकता है, बट 8 बहुत सुपीरियर घोड़ा है, तो इसलिए मैंने वर्सेस नहीं लिखा है, बस और कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आ जाते हैं यार सेकंड रेस में। सेकंड रेस 1100 मीटर क्लास 4 की है यार, 1 नंबर डिफरेंट अपसेट कर सकता है दोस्तों यहाँ पे, शूज भी चेंज हो रहे हैं, फ्रंट रनर है। और यार मेरे को ना बहुत लोग कहते हैं कि सर इसके भी जूते चेंज हो रहे हैं, और स्टील से एल्युमिनियम हो गए, स्टील से कुछ मेरे जानकार हैं वो भी मेरे को बताते हैं यार देखो इसके जूते चेंज हो रहे हैं तो क्या ये जीतेगा। तो दोस्तों घोड़े की परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि घोड़ा पहले कैसे भागा है और कहाँ पे उसके शूज कब चेंज किए गए हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। ऐसा नहीं कि जूते चेंज हो गए तो घोड़ा जीत ही जाएगा यार। ठीक है, तो इसी के साथ डिफरेंट अपसेट कर सकता है घोड़ा, फ्रंट रनर है, 1100 मीटर जाना है। 3 नंबर है टेक ए गैम्बल, तो इसे आप टेक अपसेट मैंने लिखा है, तो अपसेट ही आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हैप्पी गो लकी लास्ट टाइम 1100 भागा था, बहुत बैटिंग हुई थी घोड़े पे यार, और 1100 मीटर बैंगोर ऑन डी के साथ भागा था घोड़ा, तो उम्मीद करते हैं इस बारी अक्से बैठा दिया है तो जीतने के चांसेस भी हैं और बोर्ड में भी रहे घोड़ा, उम्मीद करते हैं। 7 नंबर है अबव द लो लॉ, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, मोहम्मद इस्माइल के नीचे लास्ट टाइम एक्सोटिक डांसर के साथ गुड सेकंड लगाया घोड़ा, इस बारी उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते यार स्टार्ट टू फिनिश। गेट भी बहुत बढ़िया है, 1 नंबर का गेट है यार, 1100 मीटर की रेस है। और उसके बाद है कैबेलो, कैबेलो अपसेट कर सकता है घोड़ा यार अगर फ्रंट निकले तो, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ये आपके आगे ओड है दोस्तों।
और जो मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों, इसमें 6 नंबर हैप्पी गो लकी, कहीं ना कहीं पे राइडर का बेनिफिट होना चाहिए, और 7 नंबर अबव द लॉ मोहम्मद इस्माइल। तीसरी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, तीसरी रेस यार लगाडे निजाम गोल्ड कप 2000 मीटर की रेस है दोस्तों, और 1 नंबर लगाडे सिंगल ही हॉर्स है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते यार, भाव 10-20 पैसे का होगा, ये भाव है आपके आगे। और मैंने कोई सिलेक्शन नहीं दिया, कोई फायदा नहीं है यार, आराम से बैठ के देखो, चाय कॉफी पियो, कोई फायदा नहीं है रेस खेल के, ठीक है। तो सी लॉइन बस ये है कि भाई देखा जा सकता है कि भाई लगाड़े के आगे कैसा परफॉर्म करेगा घोड़ा। चौथी रेस में आ जाते हैं यार दोस्तों, चौथी रेस 1 नंबर है डेजर्ट सुल्तान, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, ये बोर्ड में आ सकता है, जीत भी सकता है। और 2 नंबर है जुरामेंटो, लास्ट रन जो इसका था बहुत बढ़िया रन था यार, स्टेजेस लेप के साथ, और उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये पहला रन है, जीते घोड़ा, ट्रैक भी अच्छा दे रहा है, स्टार मेडल अपसेट कर सकता है दोस्तों इस टाइम। और क्लेफेरी इस टाइम सूरन एडू बैठा दिया है, राइडर का बेनिफिट होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि घोड़ा जीते। और 11 नंबर येल टाउन, लास्ट टाइम 60 पैसे में 1400 मीटर में सेकंड लगाया घोड़ा फेवरेट से, तो इस बार ही 1200 मीटर जाना है, तो उम्मीद करते हैं कि घोड़ा जीत सकता है यार। ये आपके आगे ओढ़े दोस्तों, 2 नंबर को फेवरेट ही लेके चलूंगा यार, लास्ट रन बहुत बढ़िया था पहला रन ही, वो ट्रैक भी अच्छा दे रहा है, जीत भी सकता है घोड़ा। और उसके बाद जो मेरा फाइनल सिलेक्शन रहेगा दोस्तों, 7 नंबर क्लेफेरी सूरन एडू, 11 नंबर येल टाउन सूर्य प्रकाश। और पांचवी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, पांचवी रेस 1100 मीटर की क्लास 3 की रेस है यार, टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में फुल वॉल्यूम पिक किया है मैंने, लास्ट रन बहुत इंप्रेसिव था, उम्मीद करते हैं 1100 मीटर में स्टार्ट टू फिनिश जीते यार घोड़ा। और आज एक और चीज यार, आज पुणे की रेस में व्यूज बहुत ज्यादा थे, और उम्मीद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, इसी तरीके से बने रहे यार। और जहां तक मुझे लगता है ये हर जगह लोग सुन ही रहे होंगे वीडियो, तो मैं सूरज भाई अगर आप भी सुन रहे हो तो एक चीज कहना चाहूंगा यार, कि उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा रन देखने को आपकी राइडिंग से, कुछ और विक्ट्री देखने को मिले यार हैदराबाद में, क्योंकि लास्ट 20 तारीख को बहुत बेकार गया, आपका दिन भी और जो जो खेल रहे थे वो उनका दिन भी बेकार गया। तो फुल वॉल्यूम उम्मीद करते हैं यार स्टार्ट टू फिनिश ही जीते घोड़ा, और यहाँ पे शूज भी चेंज हो रहे हैं तो बेटर रहेगा, और 5 नंबर का गेट है, बहुत सुपीरियर है। हार्ड टू टॉस यार यहाँ पे अपसेट का चांस ले सकते हैं, लास्ट टाइम सूरज ने जिताया था 58 किलो में, इस बार अक्षय कुमार बैठ गया। सिटी ऑफ ब्लिस बहुत बढ़िया घोड़ा है यार, उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते यहाँ पे। और 8 नंबर एम्बिशियस स्टार भी अपसेट कर सकता है, राइजिंग क्वीन उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में रहे घोड़ा यार, बहुत बढ़िया रन था लास्ट इसका भी। ये आपके आगे ओढ़े दोस्तों, फुल वॉल्यूम को मैं फेवरेट ही लेके चलूंगा, यस सिटी ऑफ ब्लिस ही होगा फेवरेट, या जोड़ी भी हो सकती है दोस्तों। और जो मेरा फाइनल पिक रहेगा इसमें, 2 नंबर फुल वॉल्यूम सूरन एडू, 6 नंबर सिटी ऑफ ब्लिस के मुकेश कुमार। छठी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, छठी रेस यार कैलीज, 1 नंबर टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में जो मैंने घोड़े पिक किए हैं कालीज, उम्मीद करते हैं यार इसके भी शूज चेंज हो रहे हैं, लास्ट एक रन दिया है घोड़े को, और यहाँ पे अब ऊपर के रन अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया हैं, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे या जीते यार। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर है कांचा, अवे सिंह बैठ गया है घोड़े पे, बहुत सुपीरियर घोड़ा है यार, स्टील आई राइस के साथ 7वां लगा है ऊटी में जाके, और 7वां लगा है, कोई पोजिशन बेटर नहीं है, बट फील्ड अच्छी थी, और उससे पहले हैदराबाद के 1 रन में 2वां लगा हुआ है ब्यूटी विलेज के साथ, 3रा लगा हुआ है, और 1 रन जीता हुआ है, नगट को बीट किया हुआ है यार 2 लेंथों से। उसके बाद है कमिंग होम, मगन सिंह जी और धानु जी पूरी कोशिश कर रहे हैं यार हैदराबाद में पकड़ बनाने के लिए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है घोड़ा, 2 रन अभी लास्ट क्लोज करा है 4वां, तो उम्मीद करते हैं इस बारी बोर्ड में रहे घोड़ा यार, जीत भी सकता है। और ब्रियर रिज अभी 20 तारीख को भागा है यार ये घोड़ा, और जीता भी है, तो इसको
उम्मीद करते हैं ये या तो विड्रॉन अगर नहीं होता, 1400 मीटर में जीता है लास्ट टाइम, तो अब 1200 मीटर जाना है, तो अगर विड्रॉन नहीं होता तो दोबारा भी जीत सकता है घोड़ा, और ये आपके आगे हो रहे हैं दोस्तों। कांचो को मैं फेवरेट ही लेके चलूंगा यार, और जो मेरा फाइनल पिक रहेगा दोस्तों कांचा, 3 नंबर अभय सिंह और 1 नंबर कालीजल के मुकेश कुमार। मुझे लगता है ये कुछ कठिन नाम मेरी वजह से रखते हैं जानबूझ के, ताकि मैं वीडियो ना बनाऊं, बट मैं बनाऊंगा जैसे मर्जी, उल्टा सीधा नाम पढ़ के बनाऊंगा दोस्तों नंबर से बोला करूंगा घोड़ों को। तो आ जाते हैं 7वीं रेस में यार, बहुत टफ रेस लग रही है, क्लास 5 की रेस है यार, और आखिरी रेस है, तो हैदराबाद में आखिरी रेस क्लास 5 की ऐसी होती है मैक्सिमम। तो इसमें 3 नंबर है स्टार क्रूज, टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में, बहुत बढ़िया घोड़ा लग रहा है यार, क्लास 4 में 5वां लगा हुआ, तो उम्मीद करते हैं कुलदीप सिंह के नीचे घोड़ा एक बेटर रन दे और जीते घोड़ा यार। अश्व पुष्किन मैं बड़े टाइम से ढूंढ रहा था यार, एस एंटनी राज, बहुत लोगों को मैंने पूछा भी था, कुछ ऑनर या ट्रेनर को मैंने कमेंट करके पूछा था, बट कहीं से पता नहीं चल पा रहा था, बट एंटनी राज वापस आ गया, बहुत बढ़िया जॉकी है यार, और उम्मीद करते हैं अश्व पुष्किन को एक हार्ड राइडिंग से बोर्ड में लेके आए यार इस घोड़े को। और उसके बाद है हॉर्स ऑफ वार, लास्ट रन मुझे समझ ही नहीं आया यार क्या हुआ इस घोड़े के साथ, 1400 मीटर में बहुत बैटिंग तो बहुत हुई थी, बट इस बार ही अपसेट चांस ले सकते हैं आप। उसके बाद है दोस्तों 10 नंबर गुड टाइडिंग्स, लास्ट टाइम अक्सर ही बैठा हुआ था, बट जॉकी चेंज हो गया था, मतलब एक्सेप्टेंस में, मतलब यहाँ पे कार्ड जो बना था अक्षय कुमार का, बट राइड इस्माइल ने करी थी, तो इस बार ही अक्षय कुमार बैठा दिया है, और कुछ इक्विपमेंट चेंज हुए हैं घोड़े के साथ, ब्लैंकर ऑन करे गए हैं, विजर ऑफ किया गया है, तो उम्मीद करते हैं इस बार ही बेटर रन दे अक्षय कुमार के नीचे घोड़ा जेआर और जीते। उसके बाद है 11 नंबर दैट्स माई वे, दोनों रन बहुत सुपीरियर है यार घोड़े के, 1200 मीटर क्लासी डैम के साथ भागा पहले, 5वां लगा है, बहुत अच्छा रन था यार, पीए जीत ने राइड किया था। उसके बाद अफरोज खान ने लास्ट टाइम राइड किया 1400 मीटर में पेडो प्लेनेट के साथ, बहुत बढ़िया रन है, उम्मीद करते हैं घोड़ा भी बोर्ड में रहे या जीत भी सकता है घोड़ा, ये आपके आगे ओड है दोस्तों। तो इसमें 3 नंबर को फेवरेट लेके चलूंगा यार, बहुत सुपीरियर घोड़ा है जैसा मैंने बताया आपको, और जो फाइनल पिक रहेगा दोस्तों इसमें मेरा स्टार क्रूज कुलदीप सिंह 3 नंबर और 10 नंबर गुड टाइडिंग्स अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट यार, उम्मीद करता हूँ हैदराबाद आपका अच्छा जाए, और कोशिश करिएगा, मैं हर बारी वही बोलता हूँ, एक बार सिलेक्शन जरूर देख लीजिएगा वेबसाइट पे, और कोशिश करिए प्लेस खेले, मैक्सिमम प्लेस खेले यार। और फाइनली एक बात और कि बहुत बहुत सही में दिल से यार धन्यवाद आप दोस्तों का, जो इतना इधर उधर वीडियो फॉरवर्ड भी कर देते हैं और एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते हैं, क्योंकि मेरे को मैसेज आ जाता है कि मेरे दोस्त ने ये मुझे वीडियो शेयर की थी, तो तब से मैं ये देख रहा हूँ, तो सभी को दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, और साथ में बने रहे यार, ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों, टेक केयर यार, बाय।